अरे बाबा जी, मनोकामना ही तो पूरी नहीं हो पा रही यार। YouTube चैनल नहीं चल पा रहा है, अब तुम क्या फौजी पता हो, है? तब भी बात कर रहे हो फौजी? हाँ, कौन कह रहा फौजी है यार? मालिका फौजी कर रहे हो, 10 का पढ़ने वाला बच्चा तुमको फौजी दिखाई दे रहा है। मालिका काम करता हूँ पार्ट टाइम में, ये गाजर उखाड़ के ला रहा हूँ। सुबह सुबह की चाय, और मैं भी उठ के एडिटिंग कर रहा था उस रूम में, और आपको मौसम दिखाता हूँ बाहर का। पूरी बारिश ही बारिश पड़ रही है, ये देखो कैसी ओस हो रही है। इतना ठंडा मौसम हो गया गाइस बाहर, एकदम चिल बारिश से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। व्लॉग में हो गया आपका स्वागत। और गाइस, आज ठंडा इतना ज्यादा पड़ गया है, बाहर हो रही है बारिश कंटिन्यूस कल रात से। मौसम विभाग में 3-4 दिन तक हाई अलर्ट ही बताया हुआ है, तो मैंने तो स्वेटर वगैरह निकाल दिया, ठंडा में लग गया। ये देखो मम्मी की भी स्वेटर निकल गई है, ठंडा हो रहा है। और आज ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं हम घी विद ब्रेड फ्राई करके। तो भाई पूरा कटोरा ही डाल दो। और हर्षित का भी आज हो रहा था जाने का, लेकिन अगर मौसम ऐसी रहेगा तो कैसे जाएगा ये भी? वी गाइस हाई अलर्ट बता रखा है, तो उसका मुश्किल ही आज जाना। देखो अगर खुलता है मौसम तभी हो पाएगा, वरना ही रहेगा भाई। और क्या, ये बन गया अपने ब्रेडों का पहाड़। ये है हमारा ब्रेकफास्ट आज का। और मम्मी दे रही है ठंडे ठंडे कूल कूल प्यारे प्यारे बरसात वाले मौसम में चाय। हॉटसन भाई, ब्रेकफास्ट पैनकेक लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। पैनकेक पैनकेक समझ के खाना है पैनकेक। और गाइस, मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि सुबह तो हमने चाय पी, आज दूसरी बारी चाय बन रही है ब्रेड के साथ खाने के लिए। ठंडी के दिन आ गए हैं, लौट के तुम ब्रेड खाओगे डट के। बाबा ठंडा ठंडा कूल कूल। ये लो ब्रो चाय। मौसम देखो आज क्या सुहावना मौसम हो रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आज घर में एंजॉय करो। सर अभी 3-4 दिन तक और बारिश बताई हुई है, और क्या कूल मौसम हो रखा है। और हर्षित का भी जाने का पूरा कैंसिल हो गया प्लान, आज ना हो पाएगा भाई, आज ना हो पाएगा बोल रहा है हर्षित। शायद कल और परसों भी ऐसी मौसम बता रखा है, वरना भाई कल भी ना हो पाएगा और परसों भी ना हो पाएगा। चलो तो गाइस, लंच भी आ गया अपना, दाल चावल और इसके ऊपर से डाला हुआ है घी। बाहर मौसम भी एकदम सही हो गया, अब बारिश रुक गई है। हर्षित के घर से आ गया कॉल कि आज ही आ जा, खाली मौसम साफ हो रहा है, क्योंकि कल भी मौसम खराब हो सकता है। तो भाई ने पैकिंग वैकिंग कर ली, अपना झोला बिस्तरा सॉरी झोला वाला सब पैक कर दिया है, जाने की तैयारी में। फिर ब्रो हाँ। रुक जाते रुक तो जाता फिर गाड़ी से, कल नवरात्रि भी है घर। फिर कल मौसम सही है ना हो कुछ पता थोड़ा है। चल भाई बढ़िया, मौसम भी अच्छा हो रहा, आराम से जा पहुँच, सही है। तो गाड़ी हर्षित भी चला गया है, और बारिश फिर पड़ने वाली थी, अच्छा टाइम से चला गया है भाई। और अभी पापा और मैं जा रहे हैं छत में, तो पापा की तो जैकेट भी निकल गई गाइस, ये देखो। और मैं आज पूरे 40-50 दिन के बाद आ रहा हूँ छत में ऊपर, इतना बढ़िया लग रहा है, क्या मौसम हो रखा है आज। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. बारिश के बाद तो मौसम वैसे इतना ज़्यादा साफ सुथरा हो जाता है, इतना साफ सुथरा और इतना क्लियर, इतना प्यारा मौसम हो गया है अभी। और गाइस, बारिश से जितनी ज़्यादा मज़े ही करे लोगों ने, और जितना ही सुहावना मौसम हो गया है, लेकिन उतना ही किसानों की फसल बर्बाद हो गई है इस बार बेटाइम बारिश से। सामने गेहूँ लगे हुए थे हमारे, तो सही सलामत हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ ये बीच में, ये देखो आपको गैप दिख रहा होगा, ये गाइस सब ख़राब हो गए हैं जितने गेहूँ लगे हुए थे। वहाँ देखो उस साइड के क्या हाल हो रखा है सामने, वही है ना, हर चीज़ के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी। मौसम अच्छा तो ज़रूर हुआ, सुहावना ज़रूर हुआ, लेकिन इतना नुकसान भी कर गया। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो पापा और मैं इसीलिए छत में आए हुए हैं। अभी झंडे का इंतज़ाम कर रहे हैं पापा, वो डंडी लगा दी पापा ने ढूंढ के, और झंडा तो मैं हर्षित के साथ लेकर आ गया था माता रानी का, और कल लगाएंगे ना पापा हम लोग। ये वाला तो घर प्रवेश का झंडा है, इसी तरीके का थोड़ा साइज़ में छोटा है, माता रानी का वहाँ पे लगेगा सामने। और अभी पापा झंडा बांध रहे हैं और मैंने पकड़ा हुआ है, स्टिक पकड़ी है, झंडा तो अभी कल लगाएंगे। और सनसेट भी होने ही वाला था, लेकिन सूरज उससे पहले ही ढक चुका है बादलों से, कल पक्का ही बारिश है, बादल बहुत नीले बुथिया। और मम्मी भी छत में आ गई, आज मैं कितने टाइम बाद आ रहा हूँ छत में। अभी तो कहाँ से आ सकता था, ऐसा हो रहा था मेरा, अब अच्छा हो गया आज तो आने लग गया। मेरा तो आज बाहर ही चूल्हे में बनाने का मन कर रहा है चाय बैठ के आराम से तीनों, लेकिन मम्मी बोल रही फ्राई पैन काला हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, वरना क्या ही मज़ा आ रहा होता इस मौसम के साथ पीने में। और पापा ने झंडा ही बांध दिया इतने में।
that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I... इतना बड़ा कर दिया पापा ने प्याज पानी डाल डाल के, पानी और गोबर खाद। बहुत टाइम से मैंने आपको खेत नहीं दिखाया हुआ था, आज दिखाता हूँ। तो ये लग गया पापा का प्याज, एकदम बड़ा बड़ा हो गया है। थोड़े टाइम पे बस प्याज के बड़े बड़े दाने निकलने वाले हैं इसमें से। और ये हमारी हो गई है जो आपको छोटी छोटी बेल दिख रही थी, गीता आंटी ने लगाई थी करेला की, इतनी बड़ी हो गई है। और ये पापा ने पूरा सपोर्ट देने के लिए ये लगा रखी हैं लकड़ियाँ। और गाइज ये है लौकी की बेल, ये भी आपने देखी थी, नुन्नू सी पुन्नू सी छुन्नू सी थी, और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। और इसको इसमें भी पापा ने सपोर्ट के लिए ऐसे करके लगा रखा है ताकि ये ऐसे ऐसे करके बड़ी होगी सामने को। यह है हमारा कद्दू, इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लकड़ियाँ लगा दी हैं पापा ने और ये खुद ही फैलते रहेगी। देखो गाइस ये भी कितनी बड़ी हो गई है। और आंटी लगाने से पहले खामो खा की टेंशन ले रही थी, बोल रही थी ये होगा नहीं होगा। एक और चीज़, जो मैंने गाजर लगाया हुआ था वो सब हटा के यहाँ पे लग गई हैं भिंडियाँ, क्योंकि पापा कह रहे थे गाजर अभी लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। और गाजर मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें से एक गाजर छोड़ा घर वालों ने, ये देखो गाइस कितना बड़ा हो गया है ये गाजर का पेड़। पापा उखाड़ूँ इसको? तो इजाज़त मिल गई है भाई। ओहो आपने बताया नहीं तो उगा ही नहीं है। अरे नहीं होता है यार, होता है, छोटा और रखा है, अभी दोबारा लगा दूं क्या? भगवान दोबारा काट के नहीं होगा, बड़ा हो गया, उठा बुरा हो गया पेड़। गाइस पेड़ तो इतना लंबा चौड़ा हुआ इसका, और गाजर ये ठिंगड़ा, इसे तो सलाद में खाने के लायक भी नहीं है। इसको दे देंगे मीना आंटी की गाय को। और धनिया भी अपना जितना खाना था खा लिया हम लोगों ने, और अब इसमें ये फूल का मतलब बीज आना शुरू हो गया है इसमें। पापा ने वहाँ पर भी क्यारी पूरी खोद के बराबर बना दी है, पूरी घासी घास थी यहाँ पे, और धनिया का बीज इसमें बोएंगे हम लोग, गर्मियों का धनिया। अरे बाबा जी मनोकामनाएं तो पूरी नहीं हो पा रही यार, यूट्यूब चैनल नहीं चल पा रहा है, अब क्या पता है बात कर रहे हो फौजी? हाँ बाबा इसे झूठी बोल देंगे, बताओ तो तुमसे पूछा कि खुलेगी फिर? अब इनकी तो नया मकान बन रहा है, खूब फर्ज बिछेगी, गेट बनेगा, यही अब क्या पता आपके आने से कृपा बनी रहे। दीदी कहाँ इनका मकान? कहाँ पे है? यही है। कौन कह रहे हैं इनका मकान नहीं है? मेरा थोड़ा है, मैं तो फौजी तो है। कौन कह रहा फौज में? कहाँ है फौजी? कौन कह रहा फौजी है यार? अरे मैं जानना, अरे मालिका फौजी कह रहे हो, दस को पढ़ने वाला बच्चा तुमको फौजी दिखाई दे रहा है? मालिक का काम करता हूँ पार्ट टाइम में, ये गाजर उखाड़ के ला रहा हूँ। और आप दिखाई दोगे पूरे हिंदुस्तान में? थोड़ा बहुत मतलब का उच्चारण कर दो, थोड़ा कर दो यार, चैनल चल जाएगा हमारा जी, कृपा बनी रहेगी आपकी। शाहरुख खान के बाद अगला नंबर हमारे सचिन टाकुली जी का आ जाए। खाली वो वीडियो, ये जो बॉडी देख रहे हो ना, ये सब हीरो, अरे हीरो आए दीदी, इनकी बहुत बिजनेस चल रही है, कर रही। अरे कुछ बिजनेस ही चल रही है। अरे बाबा झूठी नहीं बताएगा, तेरे घर में कोई कमी नहीं है। बाबा जी यार सब भरे फूले हो, कभी कमी नहीं आएगी, किस्मत वाले के दरबार में कोई कमी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। डिनर भी हो गया हमारा, और अभी मैं लगाने जा रहा हूँ लाइट, मंदिर को सजाना, क्योंकि कल नवरात्रि है, तो बस अभी वही सोच रहे हैं कि हम कैसे कैसे लगाएं। हाँ बिल्कुल, मंदिर को तो सजाना ही है, और लगा दे इसमें लाइट मंदिर के दरवाजे इधर लगा जहाँ पर पड़ता है, देखते हैं देखते हैं कैसे लग सकती है। समझ भी नहीं आ रहा गाइस कैसे करके लगाएं इसको, अंदर को कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट ही देंगे। एंड गाइस लुक, तो ये लगा दी हमने लाइट, और लाइट देखो गाइस क्या लग रही है, और ये स्टेबल है, बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं हो रही लाइट, लेकिन ये वीडियो में पता नहीं क्यों ऐसा झप 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 ब्लिंक हो रही है, लेकिन ये सिंपल लगी हुई है ना पापा, मस्त, बिल्कुल मस्त है। फिलहाल गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और पाँव भी धीरे धीरे करके रिकवर होने में लगा है, कल से नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगी, तो सुबह जल्दी उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ मैं नवरात्रि के कंटेंट के लिए, बहुत ज़्यादा डिले कर दिया मैंने, काफ़ी पीछे चले गया मेरा व्लॉग, तो उसके लिए आपसे दिल से क्षमा चाहता हूँ। कोशिश करूँगा बीच में जंप करने की, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा टू बी कंटिन्यूड हो गया था, तो इस वजह से। बाकी बस ऐसी व्लॉग में बने रहिए, प्यार बांटते रहिए गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय माता दी, बाय। Give up without a fight, 'cause there will be a time.